हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे ग्रे एंड येलो टोन फोटो एडिट करें। कुछ स्टेप्स हमारी फोटो एडिट होने वाली है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन क्लिक में भी फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में चले आना होगा, जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है यहाँ पे शेयर वाला एक आइकन दिखा दी जाएगा, इस पर टच कर लेना होगा। अब आपको यहाँ पे लाइटरूम ऐप में इसको शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे ही अब आपकी फोटो लाइटरूम ऐप में आ जाती है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नीचे साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट्स वाला, यू करके एक बार इस पे टच कर लेना होगा। अब आपको गाइस सिंपली यहाँ पे कलर टूल्स पे चले जाना होगा। जैसे गाइस आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, करने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर है इसके अमाउंट को यहाँ पे +4 कर लेना होगा, एंड इसकी जो टिंट है गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे आपको कर लेना होगा +5, एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस का अमाउंट को भी यहाँ पे बढ़ा के आपको कर लेना होगा +21। ओवरऑल गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे ऊपर साइड एक मिक्स टूल्स का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा, यू करके एक बार इस पे टच कर लेना। जैसे गाइस ये ओपन हो जाता है, आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोनिंग क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको रेड कलर पे चले आना होगा, इसकी जो देख सकते हैं गाइस लुमिनेंस है, लुमिनेंस का अमाउंट यहाँ पे +18 कर लेना होगा। अब गाइस आपको यहाँ पे सिंपली चले आना होगा ऑरेंज कलर पे, ऑरेंज कलर पे आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो लुमिनेंस है गाइस के अमाउंट यहाँ पे +60 कर लेना होगा। और अगर जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको करना क्या होगा, येलो कलर पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस करना क्या है, इसकी जो दे देते हुई है इसके अमाउंट के +20 कर लेना होगा। देन क्या करना होगा, यहाँ पे सेचुरेशन है इसकी, इसके अमाउंट को आपको +78 कर लेना होगा। देन आपको करना क्या होगा गाइस, यहाँ पे इसकी जो लुमिनेंस है इसके अमाउंट के +42 कर लेंगे। और अगर जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको करना क्या होगा, ग्रीन कलर पे सिंपली चले आना होगा, इसके ह्यू के अमाउंट को यहाँ पे -100 कर लेंगे, एंड सैचुरेशन के अमाउंट को यहाँ पे +100 कर लेना होगा। देन करना क्या होगा, इसकी जो लुमिनेंस है गाइस इसके अमाउंट को आपको यहाँ पे +60 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली सियान कलर पे चले आना होगा, इसके ह्यू के अमाउंट को -100 कर लेंगे। देन गाइस आपको यहाँ पे ब्लू कलर पे चले आना होगा, इसके सैचुरेशन के अमाउंट को -100 कर देंगे, एंड इसकी जो लुमिनेंस है गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे +15 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर लेना होगा यहाँ से डन। डन करने के बाद गाइस करना क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंपली ग्रेडिंग्स पे चले आना होगा, ग्रेडिंग्स वाले टूल्स पे यू करके एक बार टच कर लेंगे। अब गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे चले आना होगा, यहाँ पे जिसका नाम है हाइलाइट्स वाला। जैसे गाइस आप लोग इस पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई दे जाएगा एकदम बॉटम साइड कॉर्नर पे राइट, आपको यू करके एक बार इस पे टच कर लेना होगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को आपको करना क्या है, यू के 228 कर लेंगे, मींस 228 कर लेना होगा। एंड गाइस इसकी जो सैचुरेशन है इसके अमाउंट को आपको कर लेना होगा +31। ओवरऑल गाइस इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली नीचे की साइड लुमिनेंस का एक ऑप्शन दिखा दिया जाएगा, लुमिनेंस के अमाउंट को आपको यहाँ पे +15 कर लेना होगा, एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस ब्लेंडिंग है इसके अमाउंट को +64 कर लेंगे। देन गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं बैलेंस है इसके अमाउंट को आप +35 कर लेंगे। ओवरऑल गाइस इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको इसको सिंपली यहाँ से कर लेना होगा डन। अभी आपको अपनी फोटो के यहाँ पे लाइटनिंग को बढ़ाना होगा, उसके यहाँ पे लाइट टूल्स पे चले जाएंगे। जैसे गाइस आप इस पे टच करते हैं, आपको करना क्या होगा, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है इसके अमाउंट के यहाँ पे -20 कर लेना होगा। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी जो हाईलाइट्स है इसके अमाउंट के यहाँ पे -30 कर लेंगे, एंड आपको सिंपली चले जाना होगा नीचे साइड इसकी शेडोज को, अमाउंट को आपको कर लेना होगा +40। ओवरऑल गाइस इतना कम्प्लीट हो जाता है, आपको इसको यहाँ से कर लेना होगा डन। अभी आपको अपनी फोटो को बेहतरीन बनाना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले टूल पे टच कर लेना होगा। जैसे गाइस ये ओपन हो जाता है, आपको करने का होगा इसके जो टेक्सचर है इसके अमाउंट का +10 कर लेना होगा, एंड इसकी जो क्लैरिटी है गाइस इसके अमाउंट का -15 कर लेंगे। देन आपको गाइस देख सकते हैं इसकी जो डीएनजे इसके अमाउंट को आपको यहाँ पे +10 कर लेना होगा। देन गाइस आपको यहाँ पे सिंपली विग्नेटर भी चले आना होगा, इसके अमाउंट को -24 कर लेना होगा। देन गाइस आपको करने का होगा इसकी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अमाउंट को यहाँ पे +58 कर लेंगे, एंड आपको करना क्या होगा गाइस यहाँ पे इसको कर लेना होगा डन। अभी आपको अपनी फोटो को स्मूथ बनाना होगा, उसके लिए यहाँ पे आपको डिटेल्स को उस पर सिंपली चले जाना होगा। जैसे गाइस आप लोग इस पे टच करते हैं, आपको करना क्या होगा, इसकी जो शार्पनिंग है इसके अमाउंट को यहाँ पे +15 कर लेना होगा। अब गाइस आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन पे चले आएंगे, इसके अमाउंट को +25 कर लेंगे। ओवरऑल गाइस इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन पे चले आना होगा, कलर नॉइस रिडक्शन पे सॉरी। यहाँ पे आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो अमाउंट है इसके ऊपर +15 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है, बिफोर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे वन क्लिक में भी फोटो एडिट करना सीखना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ से हम आप रजिस्टर का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव वाला, यू करके एक बार इस पर टच कर लेना होगा। अब गाइस आपके सामने यहाँ पे निकल के चला आएगा सेव कॉपी डिवाइस। अगर गाइस अपनी फोटो को आप यहाँ से सेव करते हैं, तो आपकी फोटो क्वालिटी कभी भी कटेगी नहीं। सो गाइस फोटो एडिट कैसे लेगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा एंड बाय बाय।